14 अगस्त के हवाले से किस तरह से आप ज़िले गरबी में कर रहे हैं, इसके अलावा मुहर्रम अहराम की आशुरा का दिन करीब आ रहा है, जलसे जुलूस के रास्तों में सफाई का काम, लाइटों का और दीगर चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो दो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं इस वक्त, वो एक 14 अगस्त का है और एक मुहर्रम का है। 14 अगस्त इंशाल्लाह ताला हम उसी जोश और जज्बे से सेलिब्रेट करेंगे जिस तरह से हम लोग पहले हमेशा करते आए हैं, सिर्फ कोविड की वजह से, और उसको थोड़ा सा लोगों को हम मोबिलाइज़ भी करेंगे कोविड वैक्सीनेशन के हवाले से भी और मास्क पहनने के हवाले से भी, और कल हम यहाँ पर एक तकरीब भी करेंगे जिसमें हम फ्लैग होस्टिंग भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, नंबर वन। नंबर टू, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के विज़िट भी प्लान हैं कल, और मुहर्रम अल हराम के हवाले से मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा एक बहुत बड़ा मुहर्रम का प्रोसेशन है वो 9 मुहर्रम का है, उस पर रोड की कारपेटिंग और मुख्तलिफ जगहों पर जारी है इस वक्त भी, ख़ासतौर पर शहजाद मोड़ पर और कुछ गलियाँ हैं जहाँ पर हम लोगों ने पेवर ब्लॉक्स वगैरह करवाए हैं, महाजर चौक है और दूसरे इलाके हैं वहाँ पर। तो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने बेहतर इंतजाम कर सकें और परमानेंट कर सकें वो करें। लाइटिंग काफ़ी जगहों पर कर दी गई है, काफ़ी जगहों पर इन प्रोसेस है, तो प्रोसेस चल रहा है, और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो सफाई के आस्पेक्ट को देख रहा है और बहुत बेहतर काम करने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया।